Hello everyone, welcome to Unstoppable. I hope you are doing well. In this lecture and video, I will talking about the Hindu newspaper analysis and today current affairs. Guys, इसमें हम लोग बहुत सारे current affairs के बारे में बातचीत करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि आज का newspaper हमारे exam point of view से कितना ज़्यादा relevant है और कौन कौन से ऐसे points हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए. और आज का top Google यूँ कहा जाए तो जो टॉप नोच पॉइंट्स होते हैं और जो गूगल सर्च के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन कौन से आज के पॉइंट्स हैं जिसमें हम साइंस से रिलेटेड पॉइंट्स देखेंगे, एनवायरनमेंट्स, पॉलिटी एंड अदर्स सेक्टर्स लाइक दैट इकोनॉमी वगैरह सबका हम लोग इसमें देखने वाले हैं. मैं जानता हूँ कि बहुत लेट हो चुका है, मॉर्निंग में आना चाहिए था बट सम रीजन्स हम मॉर्निंग में वीडियो नहीं बना पाए. लेकिन आपका पढ़ाई रुकेगा नहीं, हम दिन भर में कभी भी आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे और आप आराम से इजली तौर पे इसे देख करके अंडरस्टैंड कर सकते हो. ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं कि आज क्या द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के ऊपर. यू नो वेरी वेल आज है 17 अगस्त और एडिशन है दिल्ली, 20 पेजेस हैं, 12 रुपीज़ प्राइस है. आज का जो अभी टॉप नोट्स जो आप देखोगे, टॉप अपडेट देखोगे, तो आपको सबसे पहले मिलेगा कि कैबिनेट है उन्होंने 10,000 इलेक्ट्रिसिटी बस जो है 169 सिटीज़ में चलाने की घोषणा किया है. किसके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा, कि हम 169 बसेस चलाएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी बसेस होंगी. और ये इलेक्ट्रिसिटी जो 169 सिटीज़ में 10,000 इलेक्ट्रिसिटी बसेस चलाने की इन्होंने बातचीत करा है. टोटल जो खर्च है इसके ऊपर बातचीत किया गया है कि इससे योजना को चलाने में, इस पर योजना को चलाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 57,613 करोड़ की लागत लगने वाली है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 20,000 करोड़ का हेल्प करेंगे. ठीक है ना, 20,000 करोड़ रुपये का हेल्प सेंटर के द्वारा किया जाएगा और रिमेनिंग जो ही पार्ट बचेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल करना पड़ेगा. और यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे इसका जो ऑपरेशनल टाइम रखा गया है वो 10 ईयर का रखा गया है और 169 सिटीज़ में 10,000 ई बस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने की बातचीत की जा रही है. साथ ही में फंडिंग के रिगार्डिंग और ये बात कही गई है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट से पैसा लगाएंगी, आप इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कर सकते हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अच्छे से किया जा सके, इसका अपग्रेडेशन बहुत अच्छे से किया जा सके. ठीक है ना, और एक जो सबसे बड़ी बात कही गई है गाइज वो ये है कि ये ग्रीन मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है. देखो ग्रीन मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, एक होता है ग्रीन जोन और एक होता है ब्राउन जोन. इकोनॉमी में दो टर्म होते हैं ग्रीन और ब्राउन. ग्रीन का मतलब होता है कि जहाँ पे जो डेवलपमेंट है और जहाँ पे जो डेवलपमेंट किया जाएगा या इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा वो पूर्ण रूप से नया लगाया जाएगा और वहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको नए सिरे से डेवलप किया जाएगा, तो उसको ग्रीन मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं. और दूसरा होता है ब्राउन मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ब्राउन मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है गाइस, तो पहले से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसी को फिर से रेनोवेट कर दिया जाता है, तो वो आपका ब्राउन फील्ड का हो जाता है. तो इतने 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की बातचीत किया जा रहा है और इसका नाम दिया गया है पीएम ई सेवा बस स्कीम. तो इसे याद रखना, पीएम ई सेवा बस स्कीम क्या है, तो पीएम, इसको मैं एक बार कंक्लूड करवा देता हूँ. पीएम ई बस सेवा स्कीम 10,000 बसेस चलाई जाएंगी, 169 सिटीज़ में चलाई जाएंगी, 57,613 करोड़ की लागत लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 20,000 करोड़ देगी, बाकी स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बनाया जाएगा. ये पूरा ग्रीन मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है. इसके साथ ही गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस करा है कि वो 7 रेलवे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे और जिसकी जो खर्च पूरी लागत आएगी उसके लिए 32,500 करोड़ का इन्होंने अप्रूवल भी दे दिया है. तो ये 7 प्रोजेक्ट है, कहाँ कहाँ शुरू किया जा रहा है तो ये देख सकते हो आप लोग. 9 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे 35 डिस्ट्रिक्ट इन 9 स्टेट, 9 स्टेट के 35 डिस्ट्रिक्ट में ये किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उड़ीसा है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है. और इस प्रोजेक्ट को लगभग 2,339 किलोमीटर ये आपका नेटवर्क होने वाला है. ठीक है ना, तो आज का हमने टॉप नोच इन्फॉर्मेशन देख लिया. टॉप नोच इन्फॉर्मेशन एक और है और ये वाला इन्फॉर्मेशन मेरे को काफ़ी शानदार लगा और आई होप कि आपको भी शानदार लगेगा. देखो गाइज, हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हैंडबुक रिलीज़ किया है.
इस हैंडबुक में क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो भी केसेस आते थे हमारे देश के कोर्टेज में, वहां पे महिलाओं के रिगार्डिंग बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ऐसे शब्द हमारी समाज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसलिए इन्होंने एक हैंडबुक नाम की एक पुस्तक निकाली है, हैंडबुक नाम की, जो 30 पेज की है, और इसमें सजेस्ट किया गया है कि आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कैरियर वुमेन, फॉलन वुमेन, फेथफुल और ओबीडियंट वाइफ, ठीक है ना, ईव टेस्टिंग, और इस तरीके के शब्द यूज किए जाते थे इंडियन कोर्टेज में। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन शब्दों की जगह पे हम यूज करेंगे वुमेन, वुमेन वाइफ, स्ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट, इंटरसेक्स, ठीक है ना, ऐसे शब्दों का यूज किया जाएगा, ना कि उस टाइप के शब्दों का जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते थे, ठीक है ना। तो इसको 30 पेज का ये बुक बनाया गया है, और इसका नाम जो है हैंडबुक ऑन कैबिटेटिंग जेंडर रिपोर्ट्स, ठीक है ना, और फ्री द जुडिशियरी एंड लीगल कम्युनिटी से ये सब ठीक रहे, फ्री रहेगा। इक्विटेबल सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आप भी इसके लिए एक नोट्स बना लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये दोनों टॉप न्यूज का इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे का क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या न्यूज़ है। तो गाइज देखो, CAG क्या होता है इसको पहले देख लेना, ठीक है ना। CAG का फुल फॉर्म में बताऊँ तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवे ने, और ये इन दोनों ने मिलकर के एक रिपोर्ट तैयार करा द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए, और इसको ये भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा ये कहा गया। लेकिन यहाँ पे देखो तो द्वारका जो एक्सप्रेसवे है, इस एक्सप्रेसवे को पूरा न होने देने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है आम आदमी के मेम्बर्स के लिए। देखो, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कुछ कोई भी डिस्कशन यहाँ पे नहीं है। एक बात मैं आपको कहूँगा कि CAG क्या होता है इसे आप एक बार गूगल सर्च कर लेना, भारत माला प्रोजेक्ट क्या है इसे आप सर्च कर लेना, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चंस बनते हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ, और यही सारी चीज़ें होती हैं गाइज जो आपको गूगल पर सर्च करना होता है और इसके बारे में जानना होता है। एक के आपके लिए यूँ कहा जाए तो इसको तो फनी तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, बट ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन जो कि आप बहुत बार इस चीज़ का सुन चुके हो, तो डैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि SDM ज्योति मौर्या जो हैं सुप्रीम हाई कोर्ट में वो गई हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ऑनलाइन बहुत सारे पोस्टेज ऐसे किए जा रहे हैं जो एब्यूजिंग हैं, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो इनके लिए मुझे क्या कहना, पूरा दुनिया जानता है, ठीक है। अब ये गई हैं हाई कोर्ट में, अब हाई कोर्ट जो फैसला सुनाएंगी उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। फिलहाल में गई हैं कि हाँ भैया देखो, मेरे खिलाफ फेक न्यूज़ चलाई जा रही हैं, इसको डिलीट किया जाए, जो भी हमारे मतलब कि इनके खिलाफ जो सुप्रीम माफ़ करना, इनके खिलाफ जो भी फेक न्यूज़ चलाई जा रही हैं, सेंसर चलाई जा रहे हैं, ऑडियो चलाई जा रही है, वीडियो चलाई जा रही हैं, अगली सॉन्ग्स चलाई जा रही हैं, अरे वो गाना है ना, यू नो वेरी वेल कौन सी मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक मूवी है ना जिसमें वो गाना है, समझ रहे हो ना। तो यही सब चीज़ है, अब इनको बुरा लग रहा है तो ये गई हैं, अब देखिए क्या होता है। हाँ गाइज, अब हम बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल पे। पहला एडिटोरियल ये है, एक्ट टू सीमेंट डिजिटल अथॉरिटीज़म, ठीक है ना, और दूसरा है ये आपका न्यू विल एंड प्रिंसिपल कोर्स ऑफ क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स। ये वाला आर्टिकल ज़रूर पढ़ना, क्योंकि अभी जो हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो कॉलोनियल एरा का जो भी विल्स थे, यूँ कहा जाए जो भी एक्ट्स थे, उन तमाम एक्ट्स को इन्होंने बदल दिया है, उनके नाम को चेंज किया है, और इसको स्वदेशीकरण किया गया है। स्वदेशीकरण मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तीन ऐसे बिल हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया है, ट्रांसफॉर्मिंग किया गया है इंडियन क्रिमिनल लॉज के अंदर। भारतीय न्याय संहिता नाम दिया गया है, जो रिप्लेस कर दिया है इंडियन पैनल कोड। पहले हम लोग कहते थे ना कि हाँ इंडियन पैनल कोड की धारा इतना के अकॉर्डिंग आपको, ये अब भारतीय न्याय संहिता के तहत, समझ रहे हो ना, तो इसका नाम चेंज कर दिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो क्रिमिनल प्रोसीजर एंड प्रोसीजर को रिप्लेस करेगा, और उसके बाद भारतीय साक्ष्य
बिल लाया गया है जो इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम चेंज करेगा। तो इसी के ऊपर राइटर का क्या कहना है, इनका क्या मानना है, इन्होंने प्री कॉलोनियल एरा को किस तरीके से डिफाइन करा है, अभी की चीज़ों को किस तरीके से करा है, इन तमाम चीज़ों के इन्होंने इस बारे में जिक्र किया है। साथ ही इन्होंने कैबिनेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर भी डिफाइन करा है और बातचीत किया है। तो डेट्स वाई इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना। हाउसिंग फॉर ऑल बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको पढ़ना। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसको एक बार पढ़ना, और ये अभी न्यूज़ में है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जो मैं कहता हूँ ना पढ़ने के लिए, एक्चुअली में मेरा सेंस होता है गूगल सर्च करने के लिए, उसका गूगल सर्च आप लोग जरूर करो, इम्पोर्टेंट होता है गाइस। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे का जो है, देखो इस पूरे आर्टिकल में मैं आपको वैसे टॉप इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स दूंगा, टॉप इम्पोर्टेंट ऐसे इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको आज के आज अभी के अभी गूगल सर्च करना है। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपको ये सर्च करना है कि MOEFCC क्या है। ठीक है ना, फुल फॉर्म में बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप पहले सर्च मार लेना। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट जो आपको सर्च करना है वो करना है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। उसके बाद है WCCW, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। उसके बाद है CZA, सेंट्रल जू अथॉरिटी। इन जो 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आपको गूगल सर्च करना है और इसके ऊपर एक ब्रीफ नोट्स अपना बना लेना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। खास करके यहाँ पे सब कुछ इसका जिस्ट दिया गया है जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, बिहार सरकार अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रही है अपनी कास्ट बेस्ड सर्वे को लेकर के, क्योंकि कास्ट बेस्ड सर्वे के ऊपर पटना हाईकोर्ट का कुछ और कहना था। ठीक है ना, और इसको चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है 18 अगस्त को इस पिटीशन के ऊपर सुनवाई करने वाला है। ये जो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर ये जांच कर रहा है, ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो कि दो फेज में हुआ था बिहार में। पहले फेज में इन्होंने घरों की लिस्टिंग किया, ठीक है ना, और दूसरे फेज में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो 12.70 करोड़ की आसपास जनसंख्या है आर्थिक डिस्ट्रिक्ट में बिहार के, और इसके ऊपर अभी बहुत सारी बातें चल रही है क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने वाला है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, सरकार का बस एक चीज़ कहना है कि हम ये कास्ट वेस्ट सर्वे इसलिए करवा रहे हैं ताकि जो भी पुअर सेक्शन हैं या ऐसे लोग जिन्हें सच में फाइनेंशियली असिस्टेंट की आवश्यकता है, या उनको समाज से अगर वो हाशिए बैठे हैं और उनको जोड़ने की आवश्यकता है तो उन लोगों को जोड़ा जाएगा इस सर्वे को माध्यम से। ठीक है ना, तो ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। ठीक है, और मेरा क्या मानना है वो ज़रूरी नहीं है, गवर्नमेंट का जो मानना है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है न्यूज़ आप सभी के लिए। देखो गाइस, यहाँ पे ये वाला आप मणिपुर में CBI का टीम भेजा गया है जांच करने के लिए। उसके बाद ये देखो, उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक डिम्ड फॉरेस्ट के लिए जो बिल लाई थी उस बिल को उन्होंने वापस ले लिया है, और इनको वापस लेना ही पड़ता क्योंकि आप देखो तो फॉरेस्ट को लेकर के लोग कहीं ना कहीं अब हमारे देश में बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, और इस तरीके की अगर कोई भी बिल कोई भी सरकारें लेकर के आएंगी तो उससे मतलब कि बहुत सारे प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ सकता है, या उस बिल का उस वैसे बिल को तो कोई अपना समर्थन देगा ही नहीं, समझ रहे हो ना। जैसे कि आप एंशियंट आप मॉडर्न काल में ही देखो तो वनों को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें तक दे दी हैं, और जैसे कि आप चिपको आंदोलन देख लोगे, अपीको आंदोलन देख लोगे, तो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए, समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ें हैं, क्योंकि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, फॉरेस्ट है तो हम हैं, यानी कि हमको अपने लाइफ को रखना है तो फॉरेस्ट को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। दो टॉप नोच न्यूज़ और भी हैं। पहला तो मैं इस न्यूज़ के ऊपर बातचीत करूंगा, विश्वकर्मा स्कीम के ऊपर, और इसमें 30 लाख जो आर्टिशियन फैमिलीज़ हैं उनको हेल्प मिलने वाला है, उन वैसे फैमिलीज़ को बेनिफिशरीज के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के दिन जब रेड फोर्ट से
देश को संबोधन किया जा रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो कहा गया कि हम विश्वकर्मा स्कीम लाएंगे जिसमें विश्वकर्मा स्कीम में लोगों का मदद मिल पाएगा और इसमें 30,000 करोड़ का रखा गया है लागत, ठीक है ना, जो कि शुरू होगा 2023-24 से और चलेगा 27-28 तक। और गुरु शिक्षा परंपरा को भी बनाए रखने की बातचीत किया जा रहा है, टीचर स्टूडेंट रिलेशन को बनाए रखने की बातचीत चल रहा है। अब ये गुरु टीचर क्या है तो इसके बारे में मैं बता दूंगा। इस देखो इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अगर जो फैमिली कोई बिजनेस कर रही थी पहले से और उस बिजनेस को अगर उनका बच्चा चला रहा है तो उसमें स्किल अप करके उसे और आगे बढ़ाया जाएगा ताकि उनकी पूंजी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। साथ में स्किल अप करने के लिए गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देगी, स्किल अप देगी, आईडी कार्ड देगी, साथ में पहले टर्म में 1,00,000 रुपीज़, दूसरे टर्म में 2,00,000 रुपये, तो ये कुल मिलाकर के 3,00,000 रुपये इनको मिलने वाले हैं ताकि ये अपना बिजनेस वगैरह सब कुछ शुरू कर सके, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जैसे कि ब्लैंकेट, मैट, ब्रूम, वो यहाँ पे कोयर, ठीक है ना, ट्रेडिशनल, ये सब चीज़ें हैं। तो 18 ट्रेडिशनल ट्रेड को इन्होंने फाइंड आउट करा है गवर्नमेंट ने और इन तमाम चीज़ों पे वर्क चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए टॉप नोच न्यूज़ क्या है तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो 7 रेलवे प्रोजेक्ट है तो ये मैंने डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ फर्स्ट पेज पे ही, फ्रंट पेज पे ही, ये वाला भी हमारा बातचीत हो चुका है, ठीक है। अब क्या है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे देखो हेवी रेनफॉल की वजह से बहुत सारे जानमाल की नुकसान हो रही है, तो अलनीनो क्या है, लानीनो क्या है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है ना, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही सेंटर गवर्नमेंट ने, सेंटर ने और WHO ने मिल करके ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ शुरू किया है, तो इसे याद रखना, आपके छोटे मोटे एग्जामिनेशन लाइक डेट PCS एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है ना। उसके बाद कोविड का एक फिर से नया वेरिएंट चुना गया है, खोजा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट है, समझ रहे हो ना, तो WHO के चीफ ने ऐसा कहा है, तो एक ये हो गया। और उसके बाद और कोई भी आज का टॉप नोट्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक ये वाला है, जब टाइम मिले तो इसे आप ज़रूर पढ़ लेना, सुपरनोवा के ऊपर है, सुपरनोवा विस्फोट वगैरह के ऊपर है, तो इसको एक बार पढ़ लेना अगर टाइम मिले तो, और कुछ टाइम ना मिले तो एक बार सुपरनोवा गूगल सर्च पर कर लेना, ठीक है ना, और उसको एक बार देख लेना, ब्लैक होल वगैरह एक बार देख लेना, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही रखता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू, एंसर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।